हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी बैंक निफ्टी की नई एनालिसिस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि कल मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है और क्या कुछ कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहले मार्केट कैसे यहाँ पे पीछे से क्या सिनेरियो बनता हुआ आ रहा है। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है। एक जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड में निकल रहा है। तो जो ये ट्रेंड लाइन है हमारी, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक रोल अदा कर सकती है। अब मार्केट कल कैसे ओपन हो सकती है इसके बारे में हम पता करते हैं। मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम इसके अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होगा तो मार्केट या तो अपसाइड में निकलेगा या डाउन साइड में निकलेगा। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि अगर अपसाइड में जाता है तो मार्केट कैसे किस तरह हमें ट्रेड करना है, अगर डाउन साइड में जाता है तो हम उसे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ले लीजिए। अभी मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन होता है इसी एरिया में, यहाँ से लेके और इस एरिया के अंदर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, फ्लैट ओपन होने के साथ में मार्केट यहाँ पे एक कैंडल इसके अंदर बनाता है और उसके बाद मार्केट अपने कल के हाई, जो कि ये वाला हाई है, इसको निकालता है, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, तो हम अपसाइड में एक बुलिश एंट्री वहाँ पे बना सकते हैं। जिसके बाद हमारा पहला टारगेट यहाँ पे अपसाइड में, जो ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है जो कि हमारा 43,987 का है, आप ये लगा सकते हैं। 44,000 तक के टारगेट हमें वहाँ पे देख सकते हैं अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद अपने हाई को क्रॉस करता है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस रेंज के अंदर ही, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इस रेंज के अंदर और एक दो कैंडल इसके अंदर बनाने के बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है, सॉरी ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ, तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है। जो ट्रेंड लाइन है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है स्पष्ट रूप से, इसके पास आके मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो फिर यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा ही जाएगा, तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है सीधा डायरेक्टली 44,000 के पास में यहाँ पर, ठीक है, तो हमें यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद किस तरह से हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे वेट करना है, इंतज़ार करना है। अगर मार्केट गैप अप होता है, अगर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट, एक तो यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है और मार्केट फिर से गैप अप ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो मार्केट यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ तक आ सकता है। मार्केट यहाँ से गिरता हुआ यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी ट्रेड को फाइंड करना है। अगर यहाँ पर आने के बाद कोई बुलिश कैंडल, हैमर कैंडल या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिलता है तो हम उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के उसके हाई पर यहाँ पे अपनी बाइंग कर सकते हैं और उसके बाद भी अपना 1:1 और 1:2 के टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद 44,000 के पास यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करता है मार्केट, आधा घंटा एक घंटा टाइम स्पेंड करता है, एक रेंज का क्रिएशन करता है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपसाइड में उसको ब्रेक करता है, जो रेंज यहाँ पे बनाई थी उस रेंज को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे हमें फिर से 100 से 120 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड में भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो अभी समझते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं, जो कि ग्लोबल सिनेरियो भी दिखा रहे हैं कि मार्केट कल गैप डाउन हो सकता है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है नीचे की तरफ, और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन यहाँ पीछे से आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन ये एक बन चुकी है, और मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पे दिखाई देता है, कुछ बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाई देता है, तो हम उस, जैसे कि कोई हैमर बनता है तो उस हैमर के लो का स्टॉप लॉस लगा के हम उसके हाई पर उसको बाई कर सकते हैं और 1:1 और 1:2 के टारगेट के लिए वहाँ पर भी अपना इंतज़ार कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे, जो कि ये हमारा रेजिस्टेंस नहीं, जो ये जो रेजिस्टेंस जो कि आप देख सकते हैं, जो जहाँ से ये कल हमारा रेजिस्टेंस है, इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो हमें यहाँ पे इंतज़ार करना है। कुछ देर मार्केट इसको यहाँ पे एक रेंज का क्रिएशन करती है और उस रेंज क्रिएशन के बाद मार्केट उसको डाउन साइड में ब्रेक करती है, तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ भी मिल सकता है, जो नीचे का जो एक सपोर्ट लेवल है यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। आशा करता हूँ जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट आपका रहता है तो आप नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इस तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो चाहते हैं
और मैं आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ, कुछ सेटअप्स के ऊपर वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।